जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। जय जिनेंद्र, मेरा नाम सौ केतकी संदेश कुमार खेवंसर है। मैं वड़गांव शैली पुना महाराष्ट्र से हूँ। हमारे इस प्रतियोगिता का विषय है भक्तामर स्त्रोत्र। इस भक्तामर स्त्रोत्र के रचयिता आचार्य मानतुंग जी है। इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। इस स्त्रोत्र के हर एक गाथा के हर एक शब्द में गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इस स्त्रोत्र की शुरुआत भक्तामर इस शब्द से होने से इसे भक्तामर स्त्रोत्र कहा गया है। यह स्त्रोत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इसे पढ़ते वक्त अगर हमारे भाव में उच्चता आती है तो हमारे अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं और हमारी आत्मा शुद्धि की ओर आत्मशुद्धि की ओर बढ़ती है। इसमें कुल 48 गाथाएं हैं। मैं उसमें से आपको आज 25वीं गाथा और उसका अर्थ बताने वाली हूँ। गाथा भूतस्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि दीन शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। भावार्थ, हे भगवान, आप देवों से पूजित होने से और बुद्धि के उत्कर्ष को पाने से आप बुद्ध हो। तीनों लोकों में सुख शांति के निमित्त होने से आप ही शंकर हो। हे धैर्य धारक परमेश्वर, आप मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले होने से आप ही विधाता हो। मोक्ष रूपी मार्ग के सृष्टा होने से आप ही ब्रह्मा हो। आप ही प्रकट पुरुषोत्तम हो। यह इस गाथा का भावार्थ था। आचार्य आपको कहते भी है शंकर, आपने और हमारे में है बहुत अंतर। इसी अंतर को दूर कर, अपने सारे कर्म खपा कर, आपके बताए हुए मार्ग पर चल कर हम सदैव प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र।